हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिस्टर डेकर चैनल पर। दोस्तों, आज तक आपने अपने मोबाइल को टच स्क्रीन से ही इस्तेमाल किया होगा, जैसे कोई भी एप्लीकेशन खोलना, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और तरह तरह के एप्लीकेशन आपने यहाँ पर टच स्क्रीन से भी खोले होंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्लूटूथ है, फ्लैश लाइट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लूटूथ है, फ्लैश लाइट है, सब कुछ आपने अपने मोबाइल की टच से ही किया होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं, आप अपने मोबाइल से पीछे, यहां पर आप मोबाइल की बैक साइड देख पा रहे हैं, यहां से आप अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक अगर यहां से आप चलाएं तो क्या होगा, आप बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे होंगे। तो मैं आपको आज यकीन दिला देता हूं। मैं अभी दो बार टैप करूंगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपनी मोबाइल की बैक साइड पर दो बार टैप किया और फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। मैं इसे दो बार टैप करके फ्लैश लाइट को बंद कर देता हूं। अब दोस्तों, मैं यहां पर मोबाइल की बैक साइड पर तीन बार टच करूंगा, तीन बार क्लिक करूंगा और मेरे मोबाइल में देखते हैं क्या खुलता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैंने मोबाइल की बैक साइड पर तीन बार टैप किया। तो ठीक है, यहां से पहले हटा देता हूं। अब मैं यहां से टैप करके दिखाता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने मोबाइल की बैक साइड पर तीन बार टैप किया और मेरे मोबाइल में व्हाट्सअप खुल चुका है। दोस्तों, अब मैं अपने मोबाइल की बैक टच पर यहां पर तीन बार टच करूंगा, देखते हैं क्या खुलता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने मोबाइल की बैक साइड पर तीन बार टच किया। यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये सही तरीके से हमारे मोबाइल की बैक टच काम कर रही है। इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल में अपनी बैक टच को अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, कोई भी फ्लैश लाइट जला सकते हैं। तो यहां से मैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। अगर आप भी अपने मोबाइल की बैक जो है साइड को अपने टच के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं मिस्टर डेकर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन को आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन नहीं है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी ये एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में खुलेगा। जब भी आप एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन से अगर डाउनलोड करेंगे तभी यह एप्लीकेशन आपके मोबाइल में काम करेगी। अगर आप प्ले स्टोर पर देखेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलने वाली है। कितना भी कोशिश कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको ये वाली सेटिंग ऑन करना है। ठीक है, ये वाली सेटिंग आपको ऑन करना है। अब उसके बाद यहां पर एक्सेसिबिलिटी पर आ जाना है। अब यहां से आपको एप्लीकेशन को परमिशन देना है, ओके करना है। ओके करने के बाद अब जैसे ही आप अपने मोबाइल में नीचे आएंगे तो आपको गेस्चर पर जाकर यहां पर वेरी हाई कर देना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए जितना आपको लेना है, बैक आना है। अब डबल टैप टू एक्शन आपको इस पर आना है। इस पर आने के बाद यहां पर ये इसे रिमूव कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप फ्लैश लाइट जलाना चाहते हैं, आप देख पा रहे हैं यहां पर फ्लैश लाइट जलाना चाहते हैं, तो आपको यहां पर यूटिलिटीज पर क्लिक करना है, फ्लैश लाइट पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है। अब जब भी आप अपने मोबाइल की बैक साइड पर दो बार टैप करेंगे तो फ्लैश लाइट जलने लगेगी। तो दिखा देता हूं मैं आपको। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने दो बार टैप किया, यहां पर फ्लैश लाइट जल चुकी है। इसी तरीके से आप भी अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को लगा सकते हैं और अपनी बैक साइड को अपने मोबाइल की टच बना सकते हैं। तो यहां से अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ मेरे मोबाइल में खुले तो यहां से आप इसे रिमूव करिएगा, यहां से आप आइएगा ऊपर। ठीक है, यहां से आप कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करा सकते हैं। तो यहां से कोई भी एप्लीकेशन मैं लॉन्च करा देता हूं, दिखा देता हूं आपको एक बार। ठीक है, फेसबुक, यहां पर मैं डबल बार टैप करूंगा पीछे अपने मोबाइल की बैक साइड पर तो फेसबुक खुलेगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैंने दो बार टैप किया और यहां पर फेसबुक खुला है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ये एप्लीकेशन होने वाली है। अब दोस्तों यहां पर ये रहा कि हमें दो बार टैप करके अपने मोबाइल में क्या क्या इस्तेमाल करना है। अब बात आती है कि तीन बार हमें टैप करके अपने मोबाइल में क्या खोलना है। तो यहां पर ट्रिपल टैप एक्शन पर आना है, यहां से इस वाली सेटिंग को ऑन करना है और इसे एक बार यहां से लॉन्ग प्रेस करके इसे रिमूव कर देना है। जैसे ही आप रिमूव करेंगे, ऐड एक्शन पर जाना है, लॉन्च पर जाना है।
लॉन्च ऐप पर जाना है। अब आप जो एप्लीकेशन यहां से लॉन्च कराना चाहते हैं वो एप्लीकेशन यहां से लॉन्च करा सकते हैं। जैसे कि सेटिंग है, मैं तीन बार टैप करूंगा तो सेटिंग जो है वो लॉन्च हो जाएगी। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, ये बिल्कुल वर्किंग एप्लीकेशन है, वर्किंग ट्रिक है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके मोबाइल में यहां पर ये सेटिंग ना खुले तो यहां से आप ऐड एक्शन पर जाकर कोई भी एप्लीकेशन यहां से डायरेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहां से अमेजोन देख लेता हूं। अब मैं तीन बार टैप करके अमेजोन खोलता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर ये अमेजोन खुल रहा है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नेटवर्क यहां पर स्लो है इसलिए ये अमेजोन खुल नहीं रहा है। तो यहां से बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में काम करने वाली है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये अमेजोन है, ठीक है। तो यहां से आप कोई भी एप्लीकेशन को यहां से डायरेक्ट लॉन्च करा सकते हैं या फिर कोई भी फ्लैश लाइट को जला सकते हैं। तो मैं यहां पर, तो इस तरीके से आप भी जल्दी से जाइए इस एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करिए और अपने मोबाइल में लगाकर हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी और आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी क्योंकि ये एप्लीकेशन मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। जैसे ही आप अपने मोबाइल की सामने की टच को इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आप अपने मोबाइल की बैक साइड को भी टच बना सकते हैं, आसानी से अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इंप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो ये एप्लीकेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये एप्लीकेशन और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। मिस्टर डैगर चैनल के सामने रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसे क्लिक कर लें ताकि मिस्टर डैगर चैनल सब्सक्राइब हो जाए और बराबर में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख लें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टर मोहसिन 00। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।